नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खांगारोत पे। आज जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वक्रासन। वक्रासन कैसे करते हैं, उसको करने के क्या लाभ हैं और क्या विधि है और किन लोगों को उसे नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में ट्विस्टेड पोज या फिर हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं उसे कैसे करना है। सबसे पहले हम दरी चटाई पे आ जाएं या मैट पे आ जाएं और इस प्रकार से सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन यानी जब हम पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और हाथों को यहाँ लगा के रखते हैं तो इसको दंडासन कहते हैं। सबसे पहले दंडासन में आ जाएं और उसके बाद जैसे हमने बायां घुटना मोड़ा, बायां घुटना खड़ा कर लें और दाएं घुटने के पास में लगा लें इस प्रकार से। और अब अगर आपका दायां घुटना सीधा है, बायां घुटना खड़ा है, तो उसका अपोजिट हैंड, ये हम राइट हैंड को ऊपर लेंगे और इसको हम यहाँ ला के इसके पीछे लगा देंगे। इसको इस प्रकार से देख लें आप, ये बायां घुटना आपने सीधा किया, दायां खड़ा कर लिया और इसको हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ से हम इस हाथ को, इस हथेली को पीछे की ओर कर देंगे और कमर को पीछे की ओर घुमाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर फिर हम जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। आप एक मिनट तक इस पोजीशन में रुकें। शुरू में आपसे यहाँ ज़्यादा नहीं रुका जाएगा, तो आप 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाते हुए एक मिनट तक लेके जाएं। ये आप देखें, जब हम इस तरीके से पीछे की ओर घूमते हैं, कमर को घुमाते हैं, तो यहाँ पर आपके पैनक्रियास पे, लीवर पे, इंटेस्टाइन पे और आपके यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उस पर दबाव पड़ता है, खिंचाव आता है, आपकी कमर बिल्कुल घूम जाती है। इस प्रकार से करना है। ऐसे ही फिर आप दूसरे पांव से भी करेंगे और इसका दूसरा वेरिएशन भी होता है। जैसे हमने अब इस पांव से करना है, इस पांव को आप यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। इस प्रकार से ले आएँ, बाहर की ओर निकाल लें, कमर गर्दन सीधी रखें, जो घुटना खड़ा है उसका अपोजिट हैंड यूँ खड़ा करेंगे और इसको फिर घुटने के पीछे से निकाल के लाएंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे। ये पकड़ा और फिर हमने कमर को पीछे की ओर घुमा दिया। इस प्रकार से घुमा के और जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे और धीरे धीरे वापस जिस पोजीशन में थे वहीं आ जाएंगे, पैर को सीधा कर देंगे और एक बार यहाँ इस प्रकार से रिलैक्स हो जाएंगे। तो साथियों, ये था हमारा वक्रासन करने की विधि, वक्रासन कैसे किया जाता है। अब हम जानते हैं इसको करने के क्या लाभ हैं। इसको करने से सबसे बड़ा लाभ जो हमें मिलता है वो है हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो मेरुदंड है वो बिल्कुल लचीली बनती है, हेल्दी बनती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये कि जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको इस आसन को करने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसको करने से हमारे पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं तो पैनक्रियाज खुद इंसुलिन को बनाने लग जाते हैं, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। इसके अलावा उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनको लीवर की प्रॉब्लम है या फिर जिनके पेट पे चर्बी है तो पेट की चर्बी कम होती है, साइड में जिन लोगों के साइड की चर्बी निकली रहती है उन लोगों की साइड का फैट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। उसके अलावा आपका हाजमा बिल्कुल रहता है सही, आपको भूख लगती है, आपकी पेट की जितनी भी समस्याएँ हैं उनमें इस आसन को करने से आराम मिलता है। तो वो लोग जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है,
या फिर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, या फिर उनको मोटापा है, फैट बढ़ा हुआ है, साइड का फैट है, कब्जी रहती है, उन सभी लोगों के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया और उत्तम आसन है। अब हम जानते हैं कि ये आसन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को या तो कमर में दर्द है, या फिर गर्दन में दर्द है, या किसी भी प्रकार की उनकी पेट की अगर सर्जरी हुई है तो वो लोग भी ना इसको करें, या फिर वो फीमेल्स जो पीरियड्स के दौरान है वो इस आसन को अवॉइड करें, और वो सभी लोग भी इस आसन को ना करें जिनको हर्निया की प्रॉब्लम रहती है। तो यही था आज के हमारे वीडियो में वक्रासन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।